आज मैं आपको ऐसे चार लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन बताऊंगा जो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, और सबसे बुरी बात ये सभी हाई रेपुटेटेड ब्रांड्स के स्मार्टफोन हैं। इसमें फर्स्ट स्मार्टफोन है Realme C55। इसको आप बाय मत करना, क्योंकि ये स्मार्टफोन तो 2021 में लॉन्च होना चाहिए था, बिकॉज ये स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन है एंड इसके अंदर मीडियाटेक हीलियो G88 प्रोसेसर लगा है, जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ये बहुत पुराना प्रोसेसर है। इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और इसकी जो प्राइस है वो होने वाली है 12,000 रुपीज से लेकर 13,000 रुपीज। तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, और ये स्मार्टफोन 21 मार्च को लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। इसकी जगह आप पोको M4 प्रो 5G स्मार्टफोन बाई कीजिए। ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना है, बट ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। इसकी प्राइस अराउंड 12,000 के आसपास देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट के ऊपर, एंड इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू Realme C55। इसमें मीडियाटेक डायमंड सिटी 810 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है एंड इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन को पर्सनली मैं खुद यूज कर रहा हूँ, ये मैंने 11,000 रुपीज में बाय किया था, तो इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलने वाला। या आपको अराउंड 11 या फिर 12,000 के आसपास जरूर देखने को मिल जाएगा, आप इसको बाई कर सकते हो। सेकंड स्मार्टफोन है जो आपको बाई नहीं करना चाहिए, पोको X5 5G स्मार्टफोन। ये भी 21 मार्च को लॉन्च होगा इंडिया के अंदर एंड इसकी प्राइस होने वाली है 18,999, और ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। मैं बताता हूँ कैसे। पोको ने 28 February को अपना एक स्मार्टफोन पोको X4 प्रो 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था, और प्रेजेंट टाइम में इसकी प्राइस रहती है ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास, और सेल में कभी कभार इसकी प्राइस 14,000 तक भी चली जाती है। और ये स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू पोको X5 5G स्मार्टफोन से। तो यार एक साल पहले पोको ने अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो कि इससे ज्यादा बेहतर था और इससे कम प्राइस पे मिल रहा था, और साइड बाय साइड दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर किया जाए तो इनके अंदर कुछ फीचर सेम है, जैसे डिस्प्ले, प्रोसेसर, आईपी रेटिंग, बट बहुत से फीचर ज्यादा बेटर है पोको X4 प्रो 5G के अंदर। जैसे बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। मेन कैमरा इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का है और चार्जर है 67 वोल्ट का, जबकि पोको X5 5G स्मार्टफोन के अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी लेंस मिल जाता है और इसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। साथ ही चार्जर इसके अंदर 33 वोल्ट का दिया गया है, तो ये डाउनग्रेड है पोको X4 प्रो 5G स्मार्टफोन से जो कि एक साल पहले लॉन्च हुआ था। तो आप देख सकते हो कंपनी वाले कैसे लूट रहे हैं कस्टमर्स को। थर्ड स्मार्टफोन जो आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A54 स्मार्टफोन। जी हाँ, ये स्मार्टफोन भी इस लिस्ट में है क्योंकि इस स्मार्टफोन की प्राइस है 40,000 रुपए और फीचर्स के हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसके जो कॉम्पिटिटर स्मार्टफोन है वो इससे लाख गुना बेटर है, बिकॉज इस स्मार्टफोन के अंदर Exynos 1380 5 नैनोमीटर पे बेस्ट प्रोसेसर लगा है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के स्मार्टफोन में नहीं होना चाहिए, और इसके डिस्प्ले की बेजल्स बहुत ज्यादा थिक है, और प्रेजेंट टाइम में इस तरह की डिस्प्ले 40,000 रुपए के स्मार्टफोन में बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। इसमें ओनली 25 वोल्ट का चार्जर मिलता है और 15,000 रुपए के स्मार्टफोन के अंदर भी आजकल 33 वोल्ट का चार्जर आने लगा है। तो इससे बेटर है आप OnePlus 11R बाय कर लो, वो इस स्मार्टफोन से 100 गुना ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है, बिकॉज OnePlus 11R के अंदर ज्यादा बेटर डिस्प्ले देखने को मिलता है और ज्यादा बेटर प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 4 नैनोमीटर पे बेस्ट प्रोसेसर मिलता है, साथ ही इसमें 100 वोल्ट का चार्जर मिलेगा। पता नहीं Samsung क्यों इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है 40,000 की प्राइस रेंज में। नेक्स्ट स्मार्टफोन भी Samsung का ही है, Samsung A34 5G स्मार्टफोन, एंड ये स्मार्टफोन भी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से। इस स्मार्टफोन की प्राइस है अराउंड 30,000 रुपीस और इस प्राइस पे इससे बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें वी नोच डिस्प्ले मिलता है और डिस्प्ले की बेजल्स बहुत ज्यादा थिक है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से। इतनी थिक डिस्प्ले 30,000 के स्मार्टफोन में बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। इसमें मीडियाटेक डायमंड सिटी 1080 6 नैनोमीटर पे बेस्ट प्रोसेसर मिलता है। इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी लेंस मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम पे आउटडेटेड हो चुके हैं। ऐसे कैमरास तो आपको 15,000 रुपए के स्मार्टफोन में भी नहीं मिलेंगे। और एक मजे की बात, इस स्मार्टफोन के अंदर भी 25 वोल्ट का चार्जर मिलता है, जिसकी प्राइस है 30,000 के अराउंड। पता नहीं Samsung क्या सोचकर इन स्मार्टफोन को इस प्राइस पे लॉन्च कर रहा है। एक टाइम था जब ए सीरीज के स्मार्टफोन बहुत अच्छे हुआ करते थे, बट वो टाइम अब जा चुका है। तो 30,000 के अंदर कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जो काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप उनको बाय कर सकते हो, जैसे Google Pixel 6 से, Nothing Phone 1 एंड Realme 10 Pro Plus एंड iQOO 9 SE, और इनके अंदर स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं Samsung Galaxy A34 से। और Realme 10 Pro Plus के अंदर तो कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है और Samsung Galaxy A34 के अंदर V-notch डिस्प्ले,
विनोच डिस्प्ले। तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।